अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 40, ठीक है, एजुकेशन 505 का, और इसका अब क्या है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, मतलब इसका मीन्स है कि मजहबी जानबदारी क्या थी जब ब्रिटिश जो थे वो आए बरसगीर पाक हिंद में, तब उनका क्या कैसा मजहब था, क्या वो कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में है, ठीक है। अब हिस्टोरी डैट वाइल इट इज़ ट्रू डैट प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल फैसिलिटेड मशीनरी एक्टिविटी, इट इज़ आल्सो ट्रू डैट इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट रेजोल्यूटली रिफ्यूज्ड टू चैम्पियन, ठीक है। इसमें क्या था कि पहले तो ब्रिटिश जो बरतानिया के लोग थे जो गवर्नमेंट आए थे लोग, उन्होंने पहले तो मान लिया कि जो क्रिश्चन हैं उनके जो भी एक्टिविटी होती थी, ठीक है, और उनके जो तबलीगी लोग थे उनकी जो भी एक्टिविटी होती थी, पहले तो उनको सच कह दिया और उनको मतलब इस काम करने की इजाज़त दे दी कि वो ये काम कर सकते, तबलीग वगैरह कर सकते हैं, लोगों को नॉलेज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, अपने रिलीजियस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो था वो इन्होंने उस चीज़ से रिफ्यूज़ कर लिया था उस चीज़ को, जो है वो क्रिश्चन के जो भी वो तबलीग करते थे मज़हब को, उसको मानने से इनकार कर दिया था, मतलब वो कहते थे कि अब नहीं सिखा सकते, ठीक है, इनकार कर दिया। अब इनकार करने की क्या वजह थी वो अब इधर देखते हैं, लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। अब एक तो लैक आया था रिलीजियस एजुकेशन का, ठीक है। अब स्कॉलर एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द मिशनरी स्कूल्स हैड नो प्लेस फॉर एनी रिलीजियस एजुकेशन। अब पहले तो ये था कि इनको जो भी मिशनरी स्कूल्स जो थे सिर्फ वहाँ पे ही लोगों को रिलीजियस के बारे में बताया जाता था, और उसके बारे में और उसके अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे इस चीज़ के बारे में गाइड किया जाए, ठीक है। और उसके बाद आया था इनिशियल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वेयर इन हिंदू इस्लाम और एनी अदर नेटिव रिलीजियस वर बैनड बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्कूल हॉल्स इन मिशनरी स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या था, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में ये आ गया कि जो भी आप तालीम देते हैं रिलीजियस के, या चाहे आप हिंदू हैं, इस्लाम हैं, इस्लाम के बारे में तबलीग कर रहे हैं या कुछ भी तबलीग कर रहे हैं, उसको उन्होंने जो है वो करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप ना ही स्कूल टाइम में कर सकते हैं और ना ही स्कूल के बाद, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। जो भी उन्होंने लॉ बनाए उस वक्त आके, तो उस लॉ में ये आगे पास हुआ कि आप कहीं भी लोगों बच्चों को या किसी भी जो है वो तालीम नहीं दे सकते, अपने रिलीजियस के बारे में नहीं दे सकते, ना ही आप स्कूल टाइम में देंगे और ना ही स्कूल के बाहर देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स जो थे वो जाहिर है जब बरतानिया के लोग वहाँ पे आए तो उनको हर चीज़ जो है वो छोड़ना पड़े, क्योंकि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उस चीज़ उस कंट्री पे, इंडिया पे, तो उसमें फिर क्या हुआ था कि उनको हर चीज़ से मना किया गया, जिस तरह उन्होंने लाभ बनाए गए वहाँ से, वैसे वैसे इंडिया को हर चीज़ से महरूम करते गए, ठीक है। आगे क्या होता है इसमें देखते हैं, इंडियन क्रिश्चियन एंड फॉरेन मिशनरीज ऑफन फाउंड देमसेल्व्स इन डिबेट विद द कॉलोनियल। फिर सिलसिले में क्या हुआ कि जो भी इंडियन के क्रिश्चियन थे, ठीक है, क्रिश्चियन के लोग थे, और इसके अलावा जो भी वहाँ पर तबलीग करने वाले लोग थे, तो वो जो है वो एक कनेक्ट होते रहे, एक डिबेट करते रहे कॉलोनियल से, एंड इंडियन अथॉरिटीज सेंटर्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लिंक बिटवीन स्केलर एजुकेशन एंड रिलीजियस इंट्रक्शन, ठीक है, कि वो इंडियन के लोग थे जो ब्रिटिश के वहाँ के ब्रिटिश के लोग आए वहाँ से, वो जो है थे एक डिबेट करते रहे, ठीक है, आपस में कनेक्ट होते रहे और बातचीत करते रहे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ना माने तो हमारा जो रिलीजियस जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, ये तालीम दे रहे हैं अपने क्रिश्चियन के मुताबिक, ठीक है, रिलीजियस के मुताबिक, तो वो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो उनको वो रजामंद करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अगर फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड स्कॉलर एजुकेशन वॉज थॉट टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग प्रिवेलिंग नेटिव रिलीजियस, ठीक है, और मिड 19 में फिर क्या हुआ कि एक स्कॉलर एजुकेशन, मतलब उनको फिर कह दिया गया कि आप जो है वो एक स्कूल टाइम के बाद जो है वो तालीम हासिल दूसरों को रिलीजियस तालीम दे सकते हैं, ठीक है, स्कूल टाइमिंग के बाद, तो इस ये आ गया था। फिर 19 में सिर्फ उन्होंने इतनी सी राय दी थी उनको कि आप स्कूल, क्योंकि वो बार बार इस चीज़ पे इसरार कर रहे थे कि हमें जो परमिशन दी जाए रिलीजियस को डेवलप करने के लिए, हमें अपनी तालीम देने की हमें जो है वो इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने सिर्फ इतनी राय दी थी कि आप स्कूल टाइमिंग के बाद जो है वो अपना जो भी रिलीजियस है आपका, तो उसके मुताबिक आप तालीम दे सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश थे, वो तो अपनी इंग्लिश लेके आए थे और वो, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश को ही प्रमोट करना चाह रहे थे और अपने रिलीजियस के मुताबिक लोगों को तालीम दे रहे थे, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है व्हेन एक्सप्लेनेशन फॉर अ ट्रांसलेशन
to Christianity with the help of Western education were not fulfilled, the British government continued the policy of religious neutrality but allowed religious instruction outside school hours. ठीक है, वही बात है कि उस वक्त फिर उन्होंने जब जो है उन्होंने देखा कि ये बात नहीं मान रहे, ठीक है, या फिर क्रिश्चियनिटी जो है एजुकेशन जो है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एजुकेशन कल्चर करके लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक 41 है, रिलीजियस न्यूट्रैलिटी. हमें 40 जो टॉपिक था उस वो भी रिलीजियस न्यूट्रैलिटी के बारे में था, ठीक है, और उसका आगे पार्ट जारी है. तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है. एफ्रेड ऑफ द रिएक्शन दैट मेडलिंग इन द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स इंडियन सब्जेक्ट्स माइट प्रोवाइड देम, ठीक है, इसमें आगे है द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट क्लियर दैट इट वॉज नॉट इन इंडिया टू चैलेंज अंडर माइनिंग एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ. अच्छा, अब इसमें जो ब्रिटिश आए थे बशीर पाकू ने, तो उनके स्टेट की पीछे क्या पॉलिसीज थी, कि रिलीजियस न्यूट्रैलिटी के पीछे उनकी जो पॉलिसीज थी वो उनको इनको खदशा था कि ऐसे रिएक्शन से जो कि उनके बिलीव्स के तहत जो है इंडियंस की पॉपुलेशन के सामने ना आ जाए, ठीक है, और कहीं इंडियन पॉपुलेशन के सामने उनका जो रिलीजियस बिलीव्स था वो ना आ जाए, और उसके बाद उनको जो है कोई ऐसा बगावत का जो है वो ना रोल हो जाए कि लोग इंडिया के वहाँ पे शमूलियत करके या दूसरे लोग जो ब्रिटिश के थे वहाँ पे कोई एक जो है बगावती सीन ना क्रिएट हो जाए, मतलब कोई बगावत पैदा ना हो जाए हमारी अंदर. तो उन्होंने फिर बाद में ईस्ट इंडिया ने जो कंपनी थी उन्होंने वाजिया किया, उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि हमारा मकसद जो है वो एक रिलीजियस को जो है वो एग्जिस्ट अंडरमाइन नहीं करना, ठीक है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, जो भी आपका यकीन है, जो भी आपका रिलीजियस है उसको जो है अंडरमाइन करना वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने बावर करवाया, उनको क्लियर किया, ठीक है. आगे है द अथॉरिटीज वर अफ्रेड ऑफ रिलीजियस मिटोनिटी फ्रॉम द नेटिव्स एज 1806 द मिटोनी ऑफ द नेटिव ट्रूप्स वाज वाइडली अट्रिब्यूटेड रिएक्शन अगेंस्ट ओवरजीलस एंड इंटेंसिव मिशनरी एक्टिविटी. अच्छा, इसमें क्या हुआ था, 1806 में कुछ ऐसे लोग जो थे जो मिडिल क्लास लोग थे या लोकल लोग थे उनमें जो है वो ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई कि वो एक जो है वो दूसरों इंडिया का एक तो वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर, उन्होंने हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया था उनका रिलीजियस जो है वो अडॉप्ट करना, उसमें ढलते जा रहे थे लोग, ठीक है, और उसके अलावा लोग उनकी बातों में आते जा रहे थे. तो एक जो है वो एक 1806 में जो है वो ये रियलाइज़ किया कि लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा शमूलियत कर रहे हैं इंडिया में जाके, ठीक है, उनके दिल में कुछ ना कुछ बगावत ज़रूर मौजूद है. और उसके बाद फिर क्या हुआ, पर्पज यूज ऑफ बाइबल, अब बाइबल का क्या प्रपोज जो था वो कैसे इस्तेमाल किया गया था, द मद्रास काउंसिल ऑफ एजुकेशन प्रपोज टू परमिट द यूज़ ऑफ बाइबल इन क्लास इन द गवर्नमेंट स्कूल. इसमें मद्रास काउंसिल ने एजुकेशन का कहा था कि आप बाइबल जो है क्लास दे सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है, बाइबल की बुक आप पढ़ा सकते हैं. अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्शन लंदन, इनका क्या था, द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन इन लंदन इट इज़ अलाउड द प्रपोजल डिक्लेयरिंग, ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया था इस प्रपोजल को. फिर इसके बाद आ गया वी कैन नॉट कंसिडर इट एन एक्सपीडेंट और प्रूडेंट, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस एनी ब्रांच ऑफ स्टडी विच कैन इन एनी वे इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल. इसमें कहा था कि उन्होंने कहा कि हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसी जो है वो एजुकेशन एक ऐसे तालीम नहीं दे सकते, ठीक है, लोगों को और जिससे रिलीजियस और लोगों की फीलिंग्स और उनके जो ओपिनियंस हैं वो अंडरमाइन हो, ठीक है, और हम कोई ऐसी तालीम वगैरह जो है वो स्कूल्स में नहीं दे सकते. आगे आउटलाइन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अब इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में क्या होता था कि इन इंस्टेंस वेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड आउटलॉ सर्टेन प्रैक्टिस सच एज सेती विंडो या बर्निंग, ठीक है, ओवर ग्रेट रिकुलेटन. अच्छा, इसमें यह था कि इसमें उनका रिलीजियस में यह था कि जो विवाह खातून होती थी उनको वो जला देते थे, ठीक है, वो ये करना चाह रहे थे कि वो ये चीज़ को लेके आए. लेकिन फिर क्या हुआ कि एक जो रिलीजियस न्यूट्रैलिटी के मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे माहदे होते हैं.